रूस के लगातार हमलों से बचने के लिए अब यूक्रेन ने दिन के साथ अब रात में भी चौकसी तेज कर दी, जिसके लिए उसने अपनी एक स्पेशल फोर्स को खार्किव की सड़कों पर तैनात कर दिया, जिसका काम रात में सड़कों पर गश्त कर शहर में शांति बनाए रखना होगा, जिसके लिए उन लोगों ने खंडहर हो चुकी इमारतों और सूने मकानों में सर्च ऑपरेशन चलाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी इस खास टुकड़ी को वहां के लोगों से भी मदद मिल रही है। गश्त के दौरान उन्हें एक आदमी रात में अपने कुत्ते के साथ सड़क पर घूमता मिला, जिसे रोककर जवानों ने उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली और फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पूछताछ के लिए साथ ले गए। इस बीच रूस ने एक बार फिर परमाणु बम से हमले की धमकी दे दी। इस बार बयान रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से आया, जिन्होंने जिक्र तो यूक्रेन की जंग का किया लेकिन धमकी नेटो को दे दी और साफ कहा कि अगर देश के वजूद को खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी साफ कह दिया कि यूक्रेन से जंग में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि परमाणु बम की जरूरत पड़े, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि आखिर उन्हें ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी, खासतौर पर तब जब 3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने परमाणु बम पर पुतिन को अल्टीमेटम दिया था। बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल रूस की तरफ से हुआ तो जवाब नेटो की तरफ से दिया जाएगा। यूक्रेन की जंग में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, खूबसूरत इमारतें पहले ही खंडहर में बदल चुकी हैं। साफ है कि अगर परमाणु बम के इस्तेमाल की नौबत आई तो तबाही बहुत बड़े पैमाने पर होगी।